हाय गाइज, अपनी हर बड़ी एक्सक्लूसिव खबरों के लिए ए टू जेड न्यूज लाइव चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, साथ में बेल आइकन भी दबाएं। मन्नत पूरा होने पर कबूतर उड़ाकर जिस माँ को श्रद्धा निवेदित की जाती है, उस माँ का नाम है भस्मी देवी। और भस्मी देवी का दरबार भारत के असम राज्य के अलावे बिहार के मुजफ्फरपुर के मीनापुर में सजता है। मीनापुर के पानापुर, शिवहर, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर के बॉर्डर इलाका माना जाता है। शहर से कई किलोमीटर दूर स्थित माँ भस्मी देवी के दरबार में श्रद्धालुओं की कभी कमी नहीं होती है। शक्ति पीठों में एक है यह भस्मी देवी मंदिर। ए टू जेड न्यूज लाइव नवरात्रा स्पेशल माँ का दरबार लाइव के तहत आज हमारी टीम भस्मी देवी पहुंची है। आइए हम आपको बताएंगे कि यहाँ क्या क्या हमने देखा। मंदिर से माँ के लाइव दर्शन आप कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मन्नत पूरी होने पर कबूतर कैसे उड़ाई जा रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर प्रखंड में हम स्थित हैं और यहाँ पर भस्मी देवी का दरबार लगता है। जगह का नाम है पानापुर। काफी श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर उमड़ती है। कहा जाता है कि यह जो शक्ति पीठ है अद्वितीय है। असम के बाद जो दूसरा शक्तिपीठ का नाम आता है, वह नाम आता है मुजफ्फरपुर के पानापुर का, ये भस्मी देवी मंदिर का। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है। हमने इस मंदिर का दौरा किया है और यह जानने की कोशिश की है कि इन श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र बिंदु क्या है, आखिर भस्मी देवी की पूजा लोग क्यों करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर जिनकी मुरादें पूरी होती है तो वे श्रद्धालु कबूतर उड़ा करके उस मन्नत की जो योजना है उसको पूर्ण करते हैं। आखिर ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि जिनकी मुरादें पूरी होती है तो वो कबूतर उड़ाते हैं। अगर आपको भी यह नज़ारा देखना हो तो आना पड़ेगा बिहार के मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय से काफी दूर चल के आना पड़ेगा मीनापुर प्रखंड के पानापुर भस्मी देवी का दरबार। आपको बता दें कि क्या सुबह, क्या शाम, या चैत्र नवरात्रा, क्या आश्विन नवरात्रा, तमाम तादाद में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। ऐसा लगता है कि माँ यहाँ पर साक्षात रूप से विराजमान है। जो भी आते हैं इस दर पर सच्चे दिल से अगर मांग दिया तो हर शख्स की हर वो मुराद जरूर पूरी होती है। आपको हम ये सब कुछ बताएंगे, हर राज की बात बताएंगे, बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है, इस प्राचीन मंदिर की महत्ता के बारे में बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। इस शक्ति पीठ स्थल माँ भस्मी देवी के दरबार तक पहुँचते ही श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का वातावरण काफी तेज होने लगा। निर्भय की भावना जगने लगे। माँ की अलौकिक प्रतिमा देखकर श्रद्धा और विश्वास जग गया। प्रधान पुजारी से भी हमने पूछा कि आखिर भस्मी देवी के इस दरबार में उमड़ती भीड़ और भस्मी देवी के किंवदंती और शक्ति और महात्मा के बारे में क्या कुछ बातें कही गई हैं। उन्होंने ए टू जेड न्यूज लाइव से खुलकर बातचीत की और बताई हर बात। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। पुराण वर्णित कालिका पुराण में देखिए या वेद पुराण में देखिए, इस मंदिर की चर्चा है। यहाँ जो भक्त आते हैं उनकी मन्नत जो दिल से मांगते हैं वह मन्नत पूरी होती है। इस मंदिर के बारे में सुना जाता है कि दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ किया था और उसमें उन्होंने शंकर जी को निमंत्रित नहीं किया था, फिर भी पार्वती को वहाँ चली गई थी। वहाँ शंकर जी के भाग
बाघ को नहीं देखकर गुस्से में आकर हवन कुंड में कूद गई। तो फिर भोलेनाथ वहाँ पहुँच कर और उनके शरीर को उठा कर तांडव करने लगे, तो विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर को छत विछत किया। तो यहाँ पे पुराण में वर्णन है कि दाहिना कपोल गिरा था, जिस कारण यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरा होती है। यहाँ मन्नत पूरा होने पर भक्तजन कबूतर उड़ाते हैं, जो भारत में मात्र दो जगह पर कबूतर उड़ाया जाता है, एक आसाम कामाख्या मंदिर और दूसरा यहाँ। हमने मंदिर के दूसरे पुजारी से भी संपर्क किया और उनसे भी मंदिर की खासियत को समझने की कोशिश की। इनके खासियत जो भी भक्त आते हैं जो मनोकामना जो मलिन करते हैं उनको पूर्ति होता है। ये कब स्थापित की गई थी माता? ये तो हमारे बाबा भी कह रहे थे कि बहुत पुराने मंदिर है, हम लोगों को तो बाबा को पता नहीं है, हमको कैसे पता लगेगा, बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है जी, शक्तिपीठ है। खासियत जो भी भक्त आते हैं जो मनोकामना करते हैं उनको पूर्ति होता है, परेवा उड़ाते हैं, इमली चढ़ाते हैं जी, नारियल फोड़ते हैं, कोई मरीज मांगते हैं वो आकर बच्चे का अपना छठिहार भी करते हैं। यहाँ पर हृदय गिरा हुआ था जी, पार्वती जी का हृदय गिरा हुआ था, इसलिए यहाँ भास्कर उनका नाम था कि मनोकामना वो मानते हैं, हमको ये पूर्ति होगा तो हम कबूतर उड़ाएंगे, हमको पूर्ति होता है, मनोकामना पूरा होने पर कबूतर लोग उड़ाते हैं जी जी, यहाँ लाखों का हिसाब से कबूतर उड़ता है। सुना आपने कि माता पार्वती की हृदय स्थली के रूप में ख्यात है माता भस्मी देवी का यह स्थल। हमने कुछ श्रद्धालुओं से भी पूछा कि आखिर उनकी श्रद्धा का राज क्या है। इस भस्मी देवी मंदिर का काफी ख्याति है, ऐसा क्यों? पहले के जमाने में बहुत सारी महामारियां हुआ करती थी, संतान लोग यहाँ आते थे, महामारी के लिए भस्म लगाना बहुत प्रसिद्ध था, भस्म लगाने से बहुत सारी बीमारियां का नाश हो जाया करता था जी, और अपनी संतान को बहुत भरते जी, की सबसे ज्यादा ख्याति मिली इस जगह। ये कब की बात है जब मंदिर स्थापित की गई होगी? मंदिर स्थापन का तो बहुत पुराना बाल काल से ही, मैंने उससे पहले से मंदिर का काफी प्राचीन मंदिर है। ऐसे 1952 में संतों द्वारा बड़ी प्रथा का अंत कर दिया गया, पहले यहाँ भक्त बलि चढ़ा कर दिया जाता था जी, उसके बाद हवन होते हैं कबूतर उसके बदले उड़ाए जाते हैं। जिनकी मुरादे पूरी होती है वही कबूतर उड़ाते हैं? हाँ वही, ऐसे लोग नहीं उड़ाते, ऐसे भी उड़ाते हैं ओकेजन पर। अन्य दिनों तो आमतौर पर लोग आते ही जाते रहते हैं, लेकिन खास भीड़ चैत्र नवरात्र और सबसे ज्यादा भीड़ का जो माहौल है वह है या शरदीय नवरात्र में है। लोगों यहाँ कलकत्ता नेपाल बंगाल से लेकर के पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं, खासकर बिहार की प्रसिद्ध मंदिर शक्तिपीठ है। माँ का मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, इसका स्थापना कभी किसी को नहीं मालूम है। मंदिर बहुत ही नामी मंदिर है, बिहार का नामी मंदिर भस्मी देवी धाम, भीड़ तो बहुत ही रहती है। माँ के दरबार में बराबर आते हो तुम? हाँ, मेरी हर गिनती मेरी पूरी करती है माँ। तुम्हारे फ्रेंड लोग भी यहाँ पर आते रहते हैं? हर दिन आते हैं। घर परिवार के भी लोग? हाँ, हर दिन आते हैं। काफी ख्याति है इस माता मंदिर की। ये जो माता मंदिर है इनके प्रति कैसे आस्था आप में जग गई? यहाँ दूर से बहुत जमाने पहले जी यहाँ अपने आप यहाँ अपरूपी मंदिर का स्थापना हुआ जी, और समाज के लोग इनको मंदिर समझ के माता समझ के पूजना चालू की, वो लोग मांग करते हैं वो पूरा पूरी होती है। अच्छा, लोगों में श्रद्धा का मुख्य वजह क्या है इस माता मंदिर के बारे में? श्रद्धा का मुख्य वजह है कि माता यहाँ जो लोग मांग किए हैं वो पूरा होता है, इसलिए सारे लोग आते हैं श्रद्धा में, जितने लोग हैं उतना मन्नत मांगते हैं और पूरा होता है। जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है वो अनिवार्य रूप से कबूतर उड़ाते हैं? हाँ, जो कोई कबूतर उड़ाते हैं, कोई मैंने प्रसाद बिरस रहते हैं या कोई जिस तरह का मन्नत रहा। तो आपने देखा कि मुजफ्फरपुर के मीनापुर के पानापुर में स्थित यह भस्मी देवी का दरबार क्यों सस्ता है, क्यों श्रद्धालुओं की भीड़ जमी रहती है। हर बच्चे, हर बूढ़े, हर महिलाएं, दूर से आने वाले हर श्रद्धालुओं की भीड़ सदा ही जमी रहती है, हर शख्स की मुरादें पूरी होती है। कहा जाता है कि असम के बाद जो दूसरा रूप है वो भस्मी देवी का रूप ही है, और इस दरबार में आने वाले हर भक्त की झोली भर के ही जाती है। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज लाइव, मुजफ्फरपुर, मीनापुर, पानापुर से भस्मी देवी के दरबार से।
माही मंदिर माही पूजा माँ से पढ़ के कोई न दूजा माही मंदिर दोस्तों गांव से शहर तक की हर बड़ी व एक्सक्लूसिव खबरों के लिए आप अपने पसंदीदा चैनल A to Z News Live.com लाइक शेयर एंड फॉलो करें।